अस्सलाम वालेकुम, मैं कौसर राव अपने YouTube चैनल के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक हों। आज हम लोग आए हैं एक गांव में, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे ये खेत हैं। मुझे थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, मुझे ऐसे लगता है मेरी आवाज़ फट गई है, माइक असल में ख़राब हुआ है, वो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा और न्यू लेने का भी टाइम नहीं है। अच्छा जी, हम आए हैं गाँव वतना, इस गाँव का नाम है, और इस गाँव में जो है वो हमने मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कि हमने मकई के और गन्ने की और साग के ये सारे तोड़ने और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखानी है। और आला मोबाइल उधर ले गई है। मैं गन्ने दिखा रही हूँ। आपने गांव से पिया जी बड़ी मज़े की चाय, दूध पत्ती फीकी चाय, लेकिन फिर भी इतनी मज़े की थी कि अभी तक टेस्ट है वो भी। तो अब हम शुरू करते हैं साग तोड़ने का। साग तोड़ते हैं हम, देखते हैं यहाँ का साग भी। इधर मैं एक बात भी बता दूं, जब कौसर राव और मेरी बज्जो छोटी थी तो मेरे अबू ना बागीचा लगाते थे, हम कैंट में रहते थे, तो इन्होंने ना अबू सब्जियां लगाते थे, तो इन्होंने ना गुड़ लगा दिया था, और गुड़ को इतना पानी दिया, इतना पानी दिया, सुबह में किसी के घर से गुड़ की डिश आ गई तो मेरे अबू ने कहा उठो नुसरत और बेबी, वो पतली पतली जिसको पत कहते हैं ना, पत वो वाली पत, अबू ने कहा उठो नुसरत और बेबी तुम्हारी डिश बहुत प्यारी तैयार हो गई है। उसके बाद फिर हम जो चार छोटे बहन भाई, हम छह बहन भाई हैं, छोटे चार थे, फिर मेरे अबू ने हर चीज़ हमें लगा के दिखाई, मूंगफली भी, गन्ने भी, साग भी। हाँ। हम माशाल्लाह से बहुत ट्रेंड है। हाँ। चलें जी, देखिएगा। ओके चले फिर अब साग। अच्छा जी, ये भाई जो हैं ये यहाँ पर, हमने साग का इनसे पूछा कि हम साग तोड़ लें, तो इन्होंने कहा जी तोड़ लें। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम वकास अली। वकास अली, वकास ये जगह सारी आपकी है? नहीं, ये मैं इधर मुलाजम हूँ। अच्छा, ये शौकत गुराया। अच्छा, शौकत गुराया साहब जो हैं ये उनकी जगह है और आप उनकी जगह पे यहाँ पे हैं? हाँ जी, मैं मुलाजम हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, ये जगह उनकी है सारी? हाँ, ये सही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। तो जनाब जी, शौकत गुराया साहब को अल्लाह बहुत वो दे, रिस्क दे, और इनको भी, वकास को भी, वकास भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमें साग तोड़ने का ये बताया कि कौन सा साग तोड़ने वाला है, तो हम अब तोड़ते हैं जी साग। मिनी साग तोड़ रही है और आला को बात समझ नहीं आ रही कि कैसा साग टूटेगा। अच्छा, साग जो होता है ना, ये चीज़ वाइट वाइट है ना, ये चीज़ वाइट वाइट, ये गोभी सरसों है। अच्छा, आला को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही साग तोड़ने वाला कौन सा है, और वो बता के गए हैं, आला को फिर भी समझ नहीं आई, मुझे थोड़ी सी समझ आ गई और मीनी को भी आ गई। देखो ये साग है ना, इसका जो ये वाला होता है ना ऐसा, ये गंदल इसको कहते हैं, ये तोड़नी है। तो आला को ये समझ नहीं आई थी, ऐसा साग जो है ये पकाते होते हैं, यहाँ पे नेवले भी हैं, उसे हमें डर लग रहा है, तो हमने कहा हमें ज़रा ये बता दें पकाने वाला कौन सा। तो अल्लाह इनको जजाए खैर दे, इन्होंने हमें बताया कि ये साग जो है ये पकाने वाला है। तो अब हम जनाब जी साग अब तोड़ के आपको दिखाते हैं, सही है? अच्छा, ये जो साग का जो एक बाग, खेत कह सकते हैं, बाग सामने कमाद है, और इसको बिल्कुल सामने जो है ना एक घर है, एक डेरा है, और इस डेरे में ये देखें जी, इधर आला और मीनी भी बैठी हुई हैं। ये आला नीमको खा रही हैं, मीनी है, पीछे वकास है, और इस डेरे में माशाल्लाह से ये इनकी ना भैंसे और गायें हैं। ये देखें, अब ये भी खाना खा रहे हैं, आला भी खा रही है, ये भी खा रहे हैं। ये देखें जी, गाय भैंसे माशाल्लाह से, ये बच्चे हैं इनके, ये वाले छोटे छोटे, और सर्दी में मेरा ख्याल है यहाँ पे बांधते हैं, ये छोटा सा कोई शेल्टर सा डाला हुआ है, और गर्मियों में ये बाहर बांधते हैं। तो माशाल्लाह ये इन्होंने जानवर भी रखे हुए हैं, और जो ये दूध देते हैं, इसका मैंने पूछा आप दूध का क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जो वो जो दूध देने वाले जो होते हैं ना, बेचने वाले, दोधी गवाले तो पंजाबी में दोधी कहते हैं, वो आके इनसे ले जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से इनका ये डेरा है, बड़ी अच्छी जगह है।